चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे जो महत्वपूर्ण दिन है और जिस रूप में मनाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो याद रखिए, आपके जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के हम लोग खत्म कर चुके हैं। इस क्लास में बात करेंगे हम लोग नवंबर महीने के जो महत्वपूर्ण दिन है और जिस रूप में मनाए जाते हैं। याद रखिए, इसमें आपके स्थायी आंकड़े लिए गए हैं। अस्थायी आंकड़े अभी जो हम लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जैसे 2020 में कवर करेंगे, तो इसकी इन कुछ दिन होते हैं जिनकी थीम होती है अलग अलग, तो नहीं देख लेंगे। 2021 में आपकी करंट कवर करेंगे तो उसे भी देखते रहेंगे। तो याद रखिए, ये स्थायी है, ये कभी नहीं बदलेंगे। और इसमें अगर कोई छूट जाता है या फिर आप देखते हैं नए नए जुड़ते रहते हैं दिन, तो उन्हें भी आप लोग नीचे लिख सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए, कि आप भी कोई अगर गलती होती है या कोई और है नया तो आप नीचे लिख दिया करिएगा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, ये मनाया जाता है आपका 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस हम लोग मनाते हैं। विश्व बातचीत दिवस कब मनाते हैं? विश्व बातचीत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, ये मनाया जाता है आपका 5 नवंबर। कब? 5 नवंबर। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। कब? 5 नवंबर को। सुनामी के खतरों तथा इसके प्रभावों को कम करने के लिए चेतावनी प्रणालियों के प्रति व्यक्तियों को जानकारी देने के उद्देश्य से विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाए जाने पर 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। यह दिवस 5 नवंबर को मनाने का विशेष कारण जापान देश में रहने वाले वाकायामा ने 5 नवंबर को आए भूकंप के बाद गांव के लोगों को जानकारी देने हेतु चोटी पर रखे अपने चावल चावल बोरों में आग लगा दी थी। यानी कि एक तरह से जागरूक हो जाए और सुनामी से यानी कि भूकंप से सुरक्षित अपने आप को कर लें। तो याद रखिए, 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर विश्व बातचीत दिवस, और 5 नवंबर को ही विश्व सुनामी जागरूकता दिवस भी मनाते हैं। एक बात और आपको बता देता हूँ, वनडे एग्जाम में आप लोग देखते हैं कि एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, समझ रहे हैं? और प्रीलिम्स में आप देखते हैं कि क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। तो ये स्टेट पीसीएस हो, फिर चाहे सिविल सर्विस का प्रीलिम्स हो, उनमें भी हमेशा पूछे जाते हैं। और वनडे एग्जाम कहने का मतलब SSC, बैंक, रेलवे, इस तरह के एग्जामों में तो आप देखते हैं एक दो क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। इसीलिए तो बोलता हूँ कि कम से कम आप लोग 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिए, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम मालूम तो चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे 7 नवंबर शिशु सुरक्षा दिवस। 7 नवंबर को क्या मनाते हैं? शिशु सुरक्षा दिवस। 7 नवंबर को ही राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। भारत भर में यानी कि भारत में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सर्वप्रथम वर्ष 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थापित किया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता में लोगों को एकजुट तथा ज्ञान करना। ध्यान दें कि विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के बारे में अगर पूछे तो याद रखिए 7 नवंबर, 7 नवंबर। अगर आपसे पूछे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो 4 फरवरी को, 4 फरवरी को। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और क्या करते हैं कि हम लोग गलत भी कर बैठते हैं। तो बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए। एक समय हुआ करता था, आप लोग भी सुनते रहते होंगे, कि कैंसर की कोई दवाई नहीं, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। लेकिन आज सब कुछ संभव हो चुका है। बस आपको इस तरह के कोई लक्षण दिखते हैं तो अब बहुत जल्दी ही आप लोग डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, उसे टाइम मत दें। फिर आप देखेंगे 8 नवंबर की बात करें तो विश्व रेडियोग्राफर दिवस 8 नवंबर को मनाते हैं। विश्व रेडियोग्राफर दिवस कब मनाते हैं? ये आपका 8 नवंबर को। विश्व सेवा दिवस कब मनाते हैं? विश्व सेवा दिवस कब मनाते हैं? 9 नवंबर को। सभी मानव जीवों के लिए सेवा प्रदान करने को प्रोत्साहन करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। फिर आप देखेंगे कानूनी सेवा दिवस, कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को ही। हर साल 9 नवंबर को कानूनी दिवस
सेवा दिवस 9 नवंबर राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस पर भारत में कानूनी साक्षरता शिविर तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है। और ध्यान दें कि पहली बार 9 नवंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग बच्चों, अनुसूचित जनजाति, मानव तस्करी पीड़ितों, अनुसूचित जातियों और प्राकृतिक आपदाओं के कमजोर एवं गरीब समूहों के लिए मदद व समर्थन प्रदान करने हेतु कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 नवंबर कानूनी सेवा दिवस। 9 नवंबर को ही आप देखेंगे उत्तराखंड स्थापना दिवस, उत्तराखंड स्थापना दिवस भी आपका 9 नवंबर को ही मनाया जाता है। आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2002 के तहत उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग 27वें राज्य के रूप में नामित किया गया था। उत्तराखंड स्थापना दिवस के स्मरण में हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। ध्यान दें कि उत्तराखंड राज्य हिंदू मंदिरों और तथा तीर्थ यात्रा के स्थल के कारण देवभूमि के नाम से भी आप लोग उत्तराखंड को जानते हैं। याद रखिए, एक उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, फिर आप देखेंगे परिवहन दिवस आपका 10 नवंबर को परिवहन दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस 11 नवंबर को, राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस कब मनाते हैं ये आप देखेंगे 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये भी याद रखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी आपका 11 नवंबर को ही मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आयोजित किया जाता है। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना एवं शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस आयोजित किया जाता है। और आप सभी को मालूम होगा कि अगर किसी देश को पावरफुल बनाना है, किसी देश को आगे बढ़ाना है या शक्तिशाली करना है तो आपको शिक्षा स्वास्थ्य देना होगा। आज हमारे भारत की अगर पिछड़ेपन का कारण कहें आप लोग तो आप एक यही दो मुद्दे रहने चाहिए। इसी मुद्दे आप दो को समझिए कि आप लोग बिहार को देखिए, आप लोग एक गरीबी कितनी है वहां, शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है। गरीबी छोड़िए, आप लोग साक्षरता का स्थिति आप लोग देखिए कितनी गिरी हुई है। स्वास्थ्य की स्थिति देखिए कितनी खराब है। बाढ़ आती है, बाढ़ से आप देखते हैं लाखों लोग घर बेघर हो जाते हैं, फिर भी आप देखिए वहां चुनाव इस तरह के मुद्दे चुनाव नहीं बनते हैं, चुनावी मुद्दे नहीं बनते हैं। कभी वोट बैंक आप देते हैं जाति समूह के आधार पर, वोट बैंक पड़ जाते हैं, उसी का भुगतान करना है, यानी कि भुगतना पड़ रहा है वहां की जनता को, समझ रहे हैं। तो नेता अगर इतना ही करते रहे शिक्षा की व्यवस्था ठीक कर दें, स्वास्थ्य की, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें किसी और कुछ देने की या योजनाएं लाने की जरूरत होगी। हम लोग खुद अपने आप पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ठीक है, 12 नवंबर को आप देखेंगे राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को है। प्रतिवर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस रोग के उपचार की जानकारी बढ़ाने के लिए विशेष स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था जब 100 से अधिक संगठनों ने एक साथ बाल निमोनिया के खिलाफ ग्लोबल को एलिशन का गठन किया। देखिए, कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी दिवस मनाने का यही उद्देश्य होता है कि आप लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे, आप लोग इसके प्रति जागरूक हों। ठीक है, फिर आप देखेंगे बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस भी यही, ठीक है, यही है, उन्हीं की एक तरह से बाल दिवस, चाचा नेहरू कहते थे ना। फिर आप देखेंगे विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। हर साल 14 नवंबर को मधुमेह रोग के प्रति लोगों को जानकारी करने के उपलक्ष्य में विश्व भर में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य लक्ष्य मनुष्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य देखभाल उपचार करने के लिए अनेक प्रयासों को आगे बढ़ाना है। डायबिटीज डे, ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज डे। 16 नवंबर को ही आप देखेंगे 16 नवंबर को सहनशीलता अंतरराष्ट्रीय दिवस आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर को ही राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि मीडिया, समझ रहे हैं आप लोग। आप जानते हैं कि हमारे देश लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, लेकिन आज आप सोचिए कि इसका अपने कर्तव्यों से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। कहीं आप देखते हैं कि अभी आपने कोरोना के टाइम देखा है, लॉकडाउन के टाइम, हजारों लोग मतलब
किससे तितर बितर हुए, मतलब कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। आप लोगों ने पिक्चर्स देखी होगी सोशल मीडिया पर। मुझे सबसे भयानक स्थिति वो लगी जब आपने देखा एक महिला बच्चे को रोड पर जन्म देती है, उसके बाद दोबारा वो चलने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चे को जन्म देना महिला के लिए दोबारा जन्म होता है महिला का, यानी कि कहने का मतलब इतनी पीड़ा होती है उसे। आप सोचिए उसके लिए कितनी भयानक स्थिति हुई होगी। ये तो अपने अंग्रेजों के, आप सोचिए अंग्रेजों के जमाने से बुरी, मतलब समय से बुरी स्थिति रही। आजादी समय जब हमारा भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, उससे और खतरनाक स्थिति हम लोगों ने देखी है। आप अपने नेताओं को देखिए, मुझे नहीं लगा कि कोई विधायक मंत्री या कोई भी आपका नेता कोई रोड पर आपको दिखा हो इस टाइम मदद करते हुए। हाँ, कई समाजसेवी संगठनों ने मदद की है, लेकिन नेता कोई नहीं, घर में दोपक्के बैठे रहे। आप देख रहे थे कि कोई रामायण देख रहा था, कोई महाभारत देख रहा था। तो आप ही सोचिए क्या भगवान माफ करेंगे? अगर भगवान सच में होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि माफ करेंगे, भली चाहे आप उनका कोई भी रामायण देख रहे हो, महाभारत देख रहे हो। मुझे लगता है भगवान भी इस समय होते तो वो घर में दुबक के इस तरह कभी ना बैठते। नेता का एक उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना, लेकिन आपने दूर दूर तक सेवा का कोई भाव नहीं देखा गया। खैर छोड़िए, मीडिया तो आप देखिए दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं, एक मुद्दा पकड़ लेगी, सुबह से शाम तक वही चलाती रहेगी। देखिए जिस देश में, आप सोचिए, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह के मुद्दों, देश हित, इस तरह के मुद्दों पर बात नहीं होगी वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। मीडिया अगर इस तरह के मुद्दे उठाएगी तभी, आप सोचिए एक परिवार को आप लोग देशभक्ति सिखाइए, कहाँ की देशभक्ति? जब खाने के लिए घर में ना होगा तो कौन देशभक्ति करेगा? जब देखिए वो कहावत है ना ये कि भूखे पेट भजन नहीं होते, आप शिक्षा दीजिए वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। और आप सोचिए कि वो खुद पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अपने परिवार की स्थिति सुधारेंगे और देश की विकास दर में भी, देश के विकास में भी योगदान देंगे कुछ। समझ रहे हैं? फिर आप देखेंगे विश्व विद्यार्थी दिवस आपका 17 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। वर्ष 1939 में नाजी जर्मन ने क्रेंच विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को खूब ज्यादा मारने और छापावार शिविरों में भेजने जैसे कृत्यों को यादगार करता है। यह दिवस पहली बार 1941 में अंतर्राष्ट्रीय जांच परिषद लंदन द्वारा मनाया गया था। फिर आप देखेंगे विश्व वयस्क दिवस आपका 18 नवंबर को, विश्व वयस्क दिवस आपका कब? 18 चेक विश्वविद्यालय था, ठीक है, चेक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए। चेक गणराज्य आप सुनते रहते ना, चेक रिपब्लिक, वही है। फिर आप देखेंगे 18 नवंबर को ही राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इतिवर्ष 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बीमारियों की रोकथाम करने हेतु यह दिवस मनाया जाना प्रस्तावित किया था। ध्यान दें कि 21 जून को आप देखते हैं कि विश्व योग दिवस और 11 फरवरी को यूनानी चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखना है 18 नवंबर राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, 21 जून विश्व योग दिवस और 11 फरवरी को यूनानी चिकित्सा दिवस। इस तरह के आपके क्वेश्चन ज्यादा बनते रहते हैं जो चर्चा में बने रहते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर, विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर, 19 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। हर साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस लोगों और उनकी समुदायों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्य रहने के लिए प्रोत्साहन करना और स्वच्छता से संबंधित विषयों पर सहयोग करने हेतु प्रेरित करता है। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जब आए 2014 में तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, शौचालय हर घर में आपने देखा होगा, आप शौचालय देखने को मिलेगी, ये बहुत बढ़िया काम है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की बात करें तो 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाते हैं। आपने देखा है महिला दिवस भी मनाया जाता है, तो मैं पुरुष बुरा ना मान जाए इसलिए 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस।
20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर, ठीक है। 21 नवंबर को ही विश्व मछुआरा दिवस, विश्व मछुआरा दिवस आपका 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है और यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मछुआरों के अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने हेतु मनाया जाता है। ध्यान दें कि 21 नवंबर 1997 को दिल्ली में 18 देशों के मत्स्य संघ ने विश्व मत्स्य पालन फोरम की स्थापना की थी, मछुआरा, ठीक है। 25 नवंबर विश्व मांसाहार निषेध दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय संविधान दिवस भी मनाते हैं, राष्ट्रीय संविधान दिवस। एक बात आप लोगों को बता दूं कि देखिए 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान कुछ प्रावधानों के साथ लागू हो चुका था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था, याद रखिए। भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाते हैं। भारतीय केंद्र सरकार ने 26 नवंबर 2015 को गजट अधिसूचना के द्वारा भारत में पहला संविधान दिवस मनाया, तो आप याद रखिए 2015 से मनाया जाता है। ध्यान दें कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान को अपनाया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया था, ठीक है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाते हैं आप लोग, राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को। हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस भारत में दूध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस, जिसे आप लोग श्वेत क्रांति भी कहते हैं, दूध से संबंधित है, सर्वप्रथम वर्ष 2014 में मेघालय में मनाया गया था। ध्यान दें कि 1970 में भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इसमें इसकी स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। 27 नवंबर को पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस मनाते हैं, कब? 27 नवंबर को क्या मनाते हैं? पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस। और 29 नवंबर फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और याद रखिए आपका 30 नवंबर ध्वज दिन, झंडा दिन, ठीक है, मनाया जाता है 30 नवंबर। तो ये थे आपके क्या थे, नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिन, ठीक है, और जिस रूप में मनाए जाते हैं उनकी एक तरह से डेट। चलिए मिलते हैं हम लोग आपके दिसंबर महीने के साथ। अगर कोई छूटा हो, अगर आपको लगता है कि ये नया जुड़ रहा है, तो आप नीचे लिख सकते हैं, जो भी और जानकारी इसके बारे में आपको मालूम हो किसी के बारे में, तो भी उसे आप लिख सकते हैं, ठीक है।